बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। और आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के भरे हुए बैंगन, बहुत मज़ेदार किस्म के, बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। उसको बनाने के लिए सबसे पहले लिया मैंने दो टमाटर, अदरक लहसुन, सब्ज मिर्च और प्याज, और साथ ही लिए हैं 1/2 kg बैंगन। अब मैं एक तवली है उसके ऊपर रख दिया है 1 चम्मच ज़ीरा भर के, और 1/2 tbsp यानी आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है। अच्छे से दोनों को हम लोगों ने कर लेना है सोते, यानी अच्छे से हम लोगों ने इसको भून लेना है। ये भून लिया अच्छे से, और अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये भुना हुआ ज़ीरा और सौंफ है, और अब हम लेंगे ग्राइंडर, उसमें डालेंगे ये भुना हुआ ज़ीरा और सौंफ, और साथ ही प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन सबको डाल के अच्छे से हम लोग चॉप कर लेंगे। और ये मैंने लिया बैंगन, बैंगन को मैंने चारों तरफ कट लगा लिया। कट लगाने के बाद हम लोगों ने इसको कर लेना है हल्का सा सोते। अगर हम लोग बैंगन को सोते कर लेंगे, इसका एक बहुत मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आता है भरे हुए बैंगन में। अगर हम बैंगन को थोड़ा सा सोते कर लेंगे घी में, अच्छे से इसको फ्राई कर लें, तो एक इसमें जो मज़े का ना एक नया फ्लेवर आता है। तो मैंने इसे अच्छे सोते कर लेना है ऑयल में। और अब हम लोग निकाल लेंगे इसको। हम लोगों ने अच्छे से बैंगन को कट लगा के सोते कर लिया है। और साथ ही जो हम लोगों ने अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज और हरी मिर्च और ज़ीरा भुना हुआ और सौंफ का जो मिक्सर ब्लेंडर में ब्लेंड किया है वो इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छे से हम लोगों ने इसको पका लेना है। इसको बिल्कुल एक ग्रेवी फॉर्म में हम लोगों ने पकाना है। इसको पकाते हैं तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। और उसमें सबसे पहले हम लोग 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च डाल दी है, और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हल्दी 1/4 चम्मच, ये धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, और साथ ही मैंने 2 अदद दालचीनी डाल दी है, और इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। इसको मज़ीद अच्छे से तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये इसका कच्चापन, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे मेरे इसको पकाते हुए, देखिए इसका कितना अच्छा ग्रेवी फॉर्म आ गई है। तो अब इसे ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था प्लेट में 10 मिनट के लिए, और ये 10 मिनट बाद मैंने इसको फिलिंग करने लगी है बैंगन में। बैंगन को हम लोगों ने पहले ही ऑयल में अच्छे से सोते किया हुआ था, अच्छे से इसकी फिलिंग कर लेंगे। ये कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास भर के पानी डाल दिया है, और साथ ही अब इसके अंदर हम लोगों ने जो बैंगन की फिलिंग करी हुई थी वो इसके अंदर रख दिए हैं। और चूल्हे का जो फ्लेम है हम लोगों ने थोड़ा नॉर्मल ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल इसको नहीं पकाना। बैंगन को सोते करने का ऑयल में यह फ़ायदा होगा, जो ऑयल होगा अंदर तक जला जाएगा और एक बड़ा कुड़कुड़ापन आ जाता है इसके अंदर, और बहुत मज़ेदार ये बैंगन बनते हैं। और साथ ही जो एक्स्ट्रा मसाला इसका जो बचा था बैंगन का ग्रेवी का, वो सब इसके ऊपर डाल दिया है मैंने, और इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। और चूल्हे का जो फ्लेम है हम लोगों ने तकरीबन नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। और साथ ही मैंने एक पैन लिया तो उसके अंदर 4 चम्मच ऑयल और 1 अदद प्याज डाल दिया था, और साथ ही उसके ऊपर डाल दिया 1 चम्मच ज़ीरा। और ये जो बैंगन है हमारे रेडी हो चुके हैं तकरीबन, और अब मैंने इसके अंदर तड़का लगाने लगे हैं प्याज और ज़ीरे का। बहुत ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आ रही है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसे पकाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसका ग्रेवी जो है वो ड्राई होगी, हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।